मेरा नाम जे पी उप्पल है, मैं प्रेसिडेंट आरडब्ल्यू सेक्टर 36 नोएडा से और साथ में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं फोनरवा का, फेडरेशन ऑफ नोएडा आरडब्ल्यू। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, के ये नोएडा डायलॉग इनिशिएटिव से आप क्या सोचते हैं, कैसा इनिशिएटिव है? सबसे पहले तो मैं गोपाल कृष्ण जी को बधाई दूंगा, और वो हमारे सेक्टर के ही निवासी हैं, सेक्टर 36 के ही हैं, तो हमसे काफ़ी क्लोज हैं। वहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है वो पार्टिसिपेट करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित करते हैं। और नोएडा डायलॉग के बारे में तो मैंने सच बताऊँ तो पहली बार ही सुना है ये, मतलब दिस इज़ फर्स्ट टाइम। राखी यादव जी हैं, उनका फ़ोन आया था मेरे पास, तो देन आई कम टू नो दैट देयर इज अ नोएडा डायलॉग एंड आई कम हेयर फॉर दिस मीटिंग फर्स्ट टाइम। 2030 तक आप नोएडा को कहाँ देखना चाहते हैं, कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं? जैसा आपका अभी 2030 का विजन मैंने देखा है, सिक्योरिटी टू ऑल एंड क्लीन नोएडा एंड दिस रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की भी है यहाँ पर। जो 2030 अगर हम कंपेयर करें दिल्ली से, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर उतना बेटर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो एक रेशो होती है ना, जैसे जितने रेजिडेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू उसके पीछे कितने पुलिस वाले होने चाहिए, वो यहाँ पर बहुत कम है। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत है, अभी भी लोग थोड़े से हेजिटेट होते हैं, और कुछ ट्रैफिक के लोग भी काफ़ी कम है पुलिस, तो यहाँ पर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आप इनिशिएटिव से कैसे जुड़ सकते हैं सर, और क्या कैसे जोड़ा जा सकता है लोगों को? नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था कि आई वॉन्ट टू जॉइन दिस एंड वट एवर आई कैन एबल टू डू आई एम एबल टू, मतलब मैं करना चाहता हूँ, तो मुझे किस तरीके से आप हमें किस तरीके से आगे लाना चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं सेक्टर वाइज, तो वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड। कोई जनरल व्यू सर नोएडा के लिए? हाँ, एक इसमें जो स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन फैसिलिटी है ना, वो बहुत कम है यहाँ पर। वो मेरे हिसाब से जो है कि सेक्टर वाइज कुछ ऐसे जैसे पार्क्स हैं, उसमें आउटडोर गेम के लिए हैं, लेकिन इनडोर गेम के लिए कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है एक्सेप्ट नोएडा स्टेडियम। तो मेरा एक सजेशन है कि वो आप दो तीन सेक्टर के बीच में कहीं एक छोटी सी फैसिलिटी दिस दैट काइंड ऑफ डेवलप किए जाए इंडोर गेम्स की, तो वो एक 2030 का विजन रहेगा, क्योंकि आज आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स में लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, बच्चे आज के बच्चे कल बड़े होंगे, तो उनको वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं। धन्यवाद सर।